अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। यहाँ पे राफे बैठा हुआ है। अभी अभी इसके फ्राइज आए हैं, बड़े मजे मजे के। मुझे भूख भी लगी हुई है। ये फ्राइज पड़े हुए हैं, तो लेट्स ट्राई हिज फ्राइज। फ्राइज दोगे मुझे? नहीं। काली मिर्च क्यों डाली ऊपर? बस ऐसे ही है यार। नहीं यार, ये नहीं अच्छा। हाफिज, कम ऑन। नमक नहीं डाला? मुझे डाया, मजे के नहीं है। सारा टेस्ट खराब कर दिया काली मिर्च डाल के। हेलो, किधर जा रहे हो और किधर से आ रहे हो? राफे को पानी देने जा रहा हूँ। मैं खुद पानी पीने जा रहा हूँ। आपका मैच हो गया? नहीं, नहीं। अभी उसकी बैटिंग आनी है। मैंने बैटिंग कंप्लीट कर लिया, 6.474। तो जीत कौन रहा है? जीत ले हो। मैं हार ला हूँ। तो गाइस, आप सबको रिमाइंड करवाना था कि जिसने मेरे न्यू चैनल चाय कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया, वो जल्दी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लें। जो न्यू सब्सक्राइबर्स आए हैं वो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लें। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैंने पाँव धोने के लिए बोला था। सारा बाथरूम गीला कर रहा है। आपने भी इधर ही धोने हैं? ये जिस पानी से गाड़ी सर्विस होती है ना, हाई प्रेशर पानी के साथ पाँव धोते जा रहे हैं। साबुन से धो, साबुन से। तो अभी रात के 8:50 हो रहे हैं। जी, आप क्या कह रहे हो? मेरे दो कल मेरे हैं डिक्टेशन, दो डिक्टेशन हैं कल मेरे। तो कुछ नहीं होता, आप तो बड़ी जल्दी जल्दी याद कर लेते हो। इमला। हाँ, तो आप तो बड़ी जल्दी जल्दी कर लेते हो। ये भी है नज़म हम्द के सवालात याद करने हैं। स्कूल का होमवर्क मिलना शुरू हो गया और अब बच्चे जो हैं वो बिजी हो गए हैं। और मुस्तफ़ा तो बड़ी जल्दी याद कर लेता है, माशाल्लाह। ले जी, वासे भी आ गया। वासे का होमवर्क कौन सा है? मेरा है साइंस, उर्दू, कंप्यूटर, मैथ्स, इस्लामियात और हिस्ट्री। इतने सारे होमवर्क एक दिन में? जी हाँ जी। है ज्यादा से ज्यादा दो या तीन सब्जेक्ट के होते हैं होमवर्क? इससे ज्यादा मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट्स, वो भी कभी कभी। वो तो 5 सब्जेक्ट्स के मिले हैं। 5 सब्जेक्ट फिर बेटे अर्ली कर लिया करो, लेट हो गया आज। नहीं, लेट तो नहीं है। सीरियसली लेट हो गया आज। खाना खाना है भी आप लोगों ने रात का? मेरा तो बना पड़े, वो मैंने बस खाना है। मेरा तेरे से ज्यादा नहीं, मेरा बहुत ज्यादा। मोटा वाला ऑमलेट खा के आप मोटे नहीं हो जाओगे? आप इधर आ जाओ, थोड़ा इधर इधर मेरी तरफ हो जाओ। उसने सारी टेबल जमी हुई है, वो दिखे। नहीं नहीं, आप उधर बैठो ना, उधर इधर ये जगह है बेटे, वो इधर बैठा हुआ है ना पहले का। आप या सामने बैठो, सही है इनको। अरे चलो गुड। तो गाइज, आप लोगों ने 3 मेन क्वेश्चंस किए थे मेरे से, तो मैंने सोचा कि मैं उसका जवाब दे दूं, क्लियर कर दूं। और वो आपके तीनों क्वेश्चन जो थे वो वैलिड थे। मैंने जो लास्ट कम्युनिटी पोस्ट की थी यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम पे जो मैंने स्टोरी लगाई थी दी एंड, उससे लोगों ने ये एज्यूम किया कि शायद मैं अपना व्लॉगिंग चैनल जो है वो बंद कर रहा हूँ। और किसी का इंस्टाग्राम पे कॉमेंट भी आया था कि आप ये छोड़ दें, आप कुछ और करें, जो आपको सूट करे वो चीज़ आप करें। तो जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, जिन लोगों ने कहा कि भाई चैनल बंद नहीं करना, तो थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए। इस चैनल में ना मेरी जान लगी हुई है। 2 साल से ऊपर हो गए हैं मुझे इस चैनल के ऊपर। ये मेरी जान है, इसको मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? ये चैनल बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, ना ये चैनल डिलीट होगा इंशाल्लाह, ना ये चैनल कहीं बिकेगा। किसी ने कहा कि जी अगर आपने बेचना है आप डिलीट ना करें, मुझे बेच दें। मतलब आप चाहते हैं कि मैं 2 साल की मेहनत जो है वो अपनी फेंक दूँ, ज़ाया कर दूँ? ये कैसे हो सकता है? तो चैनल अल्हम्दुलिल्लाह कहीं नहीं जा रहा। दूसरा सवाल ये है कि आप डेली व्लॉगिंग करते रहेंगे या आप 2-3 दिन के बाद व्लॉग डालेंगे, क्योंकि आपने एक दूसरा चैनल बना लिया है जिसका नाम है चाय कहानी। तो इसका आंसर ये है कि डेली व्लॉग्स ऐसे ही आते रहेंगे, डेली व्लॉगिंग जारी रहेगी। डेली व्लॉगिंग में कोई ब्रेक नहीं आएगा। 2 दिन का मैंने ब्रेक लिया था, मैं अपने दूसरे चैनल का सेटअप कर रहा था इसलिए ब्रेक लिया बीच में। अभी इंशाल्लाह कोई ब्रेक नहीं आएगा इसके बीच में। बाकी एक खबर मैं आपको सुनाता हूँ कि मैंने जो शॉर्ट्स डाली थी ना, उससे काफ़ी लोग ऑफेंड हो गए। कुछ तकरीबन 30-32 लोग उससे ऑफेंड हुए, तो अनसब्सक्राइब कर दिया 30-32 लोगों ने। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो इस चैनल पर रहेंगे, व्लॉग्स देखते रहेंगे। जो मोहब्बत नहीं करते वो आते रहेंगे और जाते रहेंगे।
और मैं भी एक इंसान हूँ आपकी तरह का, मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकता। और वो जो वीडियोस थी, शॉर्ट वीडियोस, जो मिमिक्री की वीडियोस थी, वो मैंने 2 साल पहले की बनाई हुई हैं। मैं कह चलें आपको अपनी ये साइड भी दिखा देता हूँ, अपना ये थोड़ा सा टैलेंट भी दिखा देता हूँ। हालांकि अभी तक हमारी ऑडियंस इतनी ग्रो अप नहीं हुई, मिमिक्री जो करता है उसको बुरा भला ही कहा जाता है। बल्कि मैंने तो उस चैनल के ऊपर तकरीबन 3-4 स्किट्स भी डाले थे बना के। उस टाइम इतनी ज़्यादा ऑडियंस नहीं थी तो इतने ज़्यादा व्यूज़ मुझे नहीं मिले थे, तो मैंने वो डिलीट कर दिए थे। और बाकी ये लोग जो कहते हैं ना भाई अपनी एज के मुताबिक काम करो, ये करो वो करो, हमारे इतने बड़े बड़े लेजेंड्स गुजरे हैं, इतने बड़े बड़े ड्रामा एक्टर्स हैं हमारे, इतने बड़े बड़े मूवी एक्टर्स हैं, और मैंने जो लाइफ गुजारी हुई है ना, मैं बड़ा लाइवली सा बंदा था, बड़ा शोका लगाने वाला बंदा, दोस्तों में शोका लगाने वाला बंदा था। वो वाली साइड तो आप लोगों ने मेरी देखी नहीं। अब मुझे लोग कही जा रहे हैं भाई डकी भाई की आप नकल कर रहे हैं, डकी भाई की आप नकल कर रहे हैं। वो आई थिंक 25-26 साल का वो लड़का है, मैंने उसकी नकल करके क्या करनी है? मैं उस एज से गुजर चुका हूँ, मुझे पता है उस एज में लड़के क्या करते हैं, हमने भी किया हुआ है। और ये जो जितने लोग समझा रहे हैं ना कि ऐसे ना करें वैसे ना करें, इन्होंने भी इस एज में यही किया हुआ है। सो जिन्होंने व्लॉग्स देखने होंगे वो शुगल वाले व्लॉग्स भी देखेंगे, जिन्होंने देखने होंगे वो सीरियस वाले भी देखेंगे। ज़्यादा देर मैं सीरियस रह नहीं सकता, मैं शुगल लगाने वाले बंदा हूँ। सो ये 2-3 बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ क्लियर करनी थी। आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। फंसे हुए ना, अब 9 बजे होमवर्क कर रहे हो, अब अर्ली किया करना है होमवर्क, ठीक है ना? मैं तो हर रोज इसी बजे करता हूँ। वासिफ भाई मुझे एक और रेसिपी टेस्ट मिले। कहता है मैं तो हर रोज इसी बजे करता हूँ, इतने बजे नहीं करता, इसी बजे करता हूँ। तो गाइज आप लोग मेरे से बहुत दफ़ा पूछ चुके हैं कि बच्चों की स्टडी रूटीन दिखानी है, तो ये इनकी स्टडी रूटीन है। ये देखें, आहा वो बुक और पेन, वो बैग, ये बुक, ये किताबें चेक करें, ये इनकी जी स्टडी रूटीन है। अब मैं क्या 10-15 मिनट की वीडियो बनाऊँ स्टडी रूटीन के ऊपर, तो अभी इनकी ये स्टडी रूटीन चल रही है। वासे अंदर गया हुआ है, मेरे से इनकी जान निकलती है तो वासे चला गया दादाबू के पास उर्दू का काम करने के लिए। मैं जब पढ़ाने पे आता हूँ ना तो मैं फिर गिच्ची में रोड़ देता हूँ। असल में दादाबू कुछ कहते भी नहीं है ना, इसलिए दादाबू के पास चला जाता है वासे। बेटे जानी मुस्तफ़ा किधर है? आप ऊपर आ गए, बिरयानी खा रहे। होमवर्क हो गया उसका? मेरा भी हो गया। क्या चक्कर है? नहीं खाना था क्योंकि पराठा नहीं बन रहा है या टोस्ट नहीं है? टोस्ट नहीं है। तो जब मजर अंकल कह रहे थे कि मैं पराठा बना देता हूँ, फिर आपने क्यों कहा कि मैंने खाना नहीं खाना? पराठा तो मैंने खाना भी नहीं था, पराठा मैंने सुबह 4 पराठे खाए हैं। ये तो रात का खाना क्यों मिस कर रहे हो? कुछ नहीं होता, कल सुबह नाश्ता कर तो लेने, पेट वापस फुल हो जाते हैं। अजीब हरकतें हैं बेटा आप लोगों की। वैसे आप क्या कर रहे हो नीचे इतनी देर से? कुंडी लगानी है। चलो ऊपर जाओ, मैं लगा लेता हूँ कुंडी, आप ऊपर जाएं। चले होमवर्क हो गया आपका कम्प्लीट? हाँ जी। आइंदा से रात को होमवर्क नहीं करना। होमवर्क तो मेरा कोई 30 मिनट से हुआ है बेटा। 11 बज गए हैं, 10:30 होमवर्क कंप्लीट हुआ है ना, 11 बज गए ना, ये सोने का टाइम है, ये होमवर्क का टाइम नहीं है। कल से डिले नहीं करना आपने होमवर्क, ठीक है? प्यार का मतलब ये नहीं कि आप लोग प्यार का नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, राइट? ओके, समझ आई? यार किचन की कुंडियाँ लगानी है, बंद करें, हैं? सो गाइस अभी 11:20 हो गए, बहुत लेट हो गया आज, बच्चे ऊपर चले गए हैं सोने के लिए, कुंडियाँ मैंने लगा दी हैं, मैं भी अब लाइट्स ऑफ करके सोने के लिए जा रहा हूँ। आज के लिए बस इतना ही, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।